नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया, मैं हूं राकेश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में भ्रम है कि उपवास किस दिन रहें। कई लोग मंगलवार को उपवास रखने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में श्री नारद मीडिया अपने आध्यात्मिक गुरु आचार्य पंडित रघुनाथ उपाध्याय के पास जिज्ञासा रखी, देखें क्या कहते हैं आचार्य पंडित रघुनाथ उपाध्याय। तो मैं नारद मीडिया को साधुवाद देना चाहता हूँ। राकेश जी, आपने अष्टमी पर जो शंका जाहिर की है, तो इस बार शंका की कोई जगह नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि उधर व्यापिनी व्रत करते हैं अष्टमी में, और अष्टमी उदय में आ रहा है। उस दिन रात्रि में 30 में रोहिणी भी हो रही है, और यह सापेक्ष प्रमाण है। इसको सभी लोग जानते हैं कि या तिथि समनु प्राप्य उदयम जाति भास्कर, सा तिथि सकलाज्ञा दाना अध्ययन कर्मसु। बुधवार यानी 12 तारीख को अष्टमी है, और उसके साथ नौमी है, रोहिणी भी उस दिन भोग कर रहा है। तो उदय काल में जिस दिन नौमी है, उसी दिन सारे गृहस्थ और सारे लोग अष्टमी का व्रत करेंगे। एक खास बात जो चिंता का विषय है, सुनने में आ रहा है, और आपके तरफ से भी इस बात की चिंता जताई गई है कि मंगलवार को लोग अष्टमी मना रहे हैं, वह शास्त्र सम्मत नहीं है। यह शास्त्र मना करता है, कहता है कि सप्तमी स्वल्प संयुक्ता, अगर थोड़ा सा भी लगा हुआ सप्तमी हो तो वह हरदम वर्जित है। तो कहता है कि स्वल्पनी सप्तमी स्वल्प संयुक्ता वर्जनीया सदाष्टमी, पुत्रम हंति पशुम हंति राज्यम हंति स्वराजिकम हंति जान पदाश्चापी सप्तमी सहिताष्टमी, जिसमें सभी चीजों का नुकसान होता है, पुत्र धन जन याद इत्यादि का। हम व्रत पर्व करते हैं पुण्य के लिए, अपने उन्नयन के लिए, देश राष्ट्र समाज की रक्षा के लिए, और इसमें शुभता की कामना करके, हम परिवार की शुभता की कामना के लिए, और भगवान कृष्ण के चरणों में दिनानुदिन हमारी अनुरक्ति बढ़े, दृढ़ प्रीति हो, इसके लिए हम करेंगे। तो फिर वह सप्तमी विध अष्टमी क्यों करेंगे? अष्टमी जब मुझे मिल रहा है नवमी युक्त, उसका एक प्रमाण और भी है कि शास्त्र लिखता है कि पूर्व विधा न कर्तव्या, कर्तव्या पर संयुता, पूर्व से जो विध है उसे नहीं करना है, यानी सप्तमी से विध उसे नहीं करना है, कर्तव्या पर संयुता, बाद से जो युत है उसे हम करेंगे, वही अष्टमी मान्य है। और खासकर साधु लोग नक्षत्र रोहिणी देखते हैं, वो तिथि भी नहीं देखते, तो वो लोग बृहस्पतिवार को करेंगे। वैसे ही 2 दिन गोपाष्टमी मनेगी वृंदावन मथुरा में, और अष्ट बुधवार को मनाया जाएगा, और बृहस्पतिवार को साधु लोगों का है, वो अपना करेंगे व्रत। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। आप भगवान का ध्यान रख करें, और निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का पूजन करें, व्रत करें, यजन करें। कालो एम कठिनोपी श्री कृष्ण भक्तान न बाधते, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को काल भी बाधा नहीं पहुंचाता, इसलिए भक्ति भाव से अनुरक्त होकर के और भगवान कृष्ण का व्रत करें, पूजन करें, यजन करें, और अपने मनोवांछित लाभ को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद, और सबको साधुवाद। धन्यवाद।